सब्सक्राइब कीजिए एमकेएस मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस घंटे बटन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो, इस वीडियो में मैं रूट अंडर 20 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखाने जा रहा हूँ। पे एक लाइन ड्रॉ करना है, स्ट्रेट लाइन। और फिर इसे इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कंपास की सहायता से। सबसे पहले दोनों तरफ एरो मार्क करेंगे और जहां पे जीरो होता है उसे पहले मार्क कर लेंगे और इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और एक पार्ट की और की जरूरत है, ये फाइव पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव। और फिर जहां पे फोर है वहां पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। और इस पे वन यूनिट लेकर कट करेंगे। और कंपास पेन और स्केल की सहायता से इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद फिर आर्क लगाना है। ये जहां पे नंबर लाइन को कट करता है ये रूट अंडर 17 को रिप्रेजेंट करेगा। रूट अंडर 17 क्योंकि इसका बेस 4 यूनिट हुआ और परपेंडिकुलर 1, जिससे इसका हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट करने पे रूट अंडर 17 आएगा। फिर अब जिस पॉइंट पे रूट अंडर 17 है वहां पे फिर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। और इस पे 1 यूनिट लेकर कट करेंगे। और फिर इसे जीरो से ज्वाइन करना है। और कंपास की सहायता से प्रोड्यूस कर देना है। ये रूट अंडर 18 को रिप्रेजेंट करता है। अब आगे जहां पे रूट अंडर 18 आता है वहां पे फिर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। और 1 यूनिट लेकर कट करेंगे। और फिर इसे जीरो से ज्वाइन करना है। और फिर इसे लेंथ लेकर आर्क लगाना है। ये
ये रूट अंडर 19 को रिप्रेजेंट करता है। फिर अब रूट अंडर 19 वाले पॉइंट पे फिर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। और इस पे भी 1 यूनिट लेकर कट करेंगे। 0 से 1 के बीच का डिस्टेंस लेकर कट करना है। और फिर इसे भी 0 से ज्वाइन करना है। और आर्क लगाएंगे 0 पर रखकर। ये रूट अंडर 20 को रिप्रेजेंट करता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।